चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अंबाला शहर के कई इलाकों में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने जनसंपर्क अभियान किया है। हर जगह पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। तो वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने लोगों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और आप लोगों को सलाह करने आया हूँ और आपकी सलाह से ही मैं आगे चलूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार पर भी जोर दिया जाएगा, इसके अलावा जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करना ही मेरा मकसद है और आप लोग साथ देंगे तो मैं उस मकसद को जरूर पूरा करूंगा। इसके साथ ही हर घर रोजगार का सपना भी IMT से पूरा करूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर IMT पहले लग गई होती तो आज हर घर में आज रोजगार होता। वैसी ही IMT हमारे अंबाला में लगे और वैसी ही IMT मुख्यमंत्री ने अपने रोहतक में लगाई। रोहतक में तो लगी जहां कांग्रेस ने विरोध किया और उस विरोध की वजह से मुझे कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं दावे के साथ कह देता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने पार्टी छोड़ते वक्त साथ में विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया हुआ, लेकिन कारण तो यही था कि IMT नहीं लगने दे रहे। IMT नहीं लगते मेरे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। आज रोहतक में 52,000 बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं। इट्स नॉट ए हिडन फैक्ट, एनीबडी कैन इवन एनीबडी विल टेस्टिफाई फॉर इट। 52,000 नौकरियां मिली हैं। अगर हमारे यहाँ लगी होती हमें भी 40,000-35,000 नौकरी हमारे यहाँ भी लगती, हमें भी 18-20,000 नौकरी हमारे परिवारों में बहुत बड़ी उपलब्धि होती। हमने खो दी थी, वो है नुकसान जिसमें मुझे सबसे ज्यादा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि मेरा पूरा काम जो है वो यही है कि IMT लगवा।